तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पंचायत सहायक के क्या क्या कार्य हैं, उन्हें पंचायत भवन पर रहते हुए क्या क्या कार्य करना होता है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अगर जिला लेवल से कोई चेकिंग आती है या कोई अधिकारी आते हैं जाँच करने, या ब्लॉक लेवल से कोई अधिकारी आते हैं जाँच करने, तो हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पंचायत सहायक के कार्य क्या क्या हैं। तो पंचायत सहायकों के कार्यों में जो सबसे पहला और मुख्य काम है वो ये है कि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सभी योजनाओं को ग्रामीण तक पहुंचाना, ठीक है। तो उन सभी योजनाओं को जो पात्र ग्रामीण है या जो पंचायत सहायक, उन तक पहुंचाना होता है। और उसके बाद ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान द्वारा जो भी कार्य प्रस्तावित किए जाते हैं उनको ब्लॉक लेवल तक पहुँचाना, ताकि ब्लॉक से उसकी वो समस्या का समाधान हो सके। उसके बाद मनरेगा से रिलेटेड जितने भी कार्य किए जाते हैं, जैसे कि किन मजदूरों का जॉब कार्ड बना है, किन का बाकी है, किन को कितना दिन का काम मिला है, तो इन सब की जानकारी जो है, इन सब मनरेगा का पूरा लेखा जोखा, इनका विवरण आपको पंचायत भवन पे रखना होता है। उसके बाद अगर कोई आते हैं वहाँ से जिला लेवल से या ब्लॉक लेवल से कोई अधिकारी चेक इन करने के लिए, तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपने उपस्थिति रजिस्टर बनाई है कि नहीं बनाई है। तो हम लोग का जो उपस्थिति लगता है वो एक बायोमेट्रिक मशीन पर लगता है और एक यूपी पंचायत सहायक पोर्टल के द्वारा लगता है। इन दोनों के अलावा भी हमारी जो उपस्थिति होनी चाहिए वो एक उपस्थिति रजिस्टर बनानी होती है, जिस पर हम कॉलम लगाते हैं, दिनांक, आने का समय, फिर अपना साइन करके, फिर जाने का समय अपना साइन। इन 10 बजे से 5 बजे के बीच में अगर हमें कहीं जाना होता है तो उस पर हम नीचे दर्शा सकते हैं कि हमने इस फील्ड वर्क के लिए हम यहाँ जा रहे हैं और लगभग एक इतने टाइम में हम वापस आ जाएंगे। तो इस बीच अगर कोई अधिकारी आता है तो फिर आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही दर्शा दिया है। अब आपके पंचायत भवन पर रहते हुए कार्य क्या क्या हैं, जैसे कि ग्रामीण जनता को पेंशन का लाभ दिलवाना हो, राशन का लाभ दिलवाना हो, छात्रवृत्ति का लाभ दिलवाना हो, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सब का लाभ आपको यहाँ से रहते हुए दिलवाना है। इन सब के अलावा पंचायत सहायकों का कुछ फील्ड वर्क भी होता है, जैसे कि आपको आपके गांव में जितने चापाकल हैं उनका विवरण रखना होता है पंचायत भवन पे। उसमें कितने चापाकल को रिबोर करवाना है, कितनों को अभी बनवाना है, कितने कार्यशील हैं, कितने अक्रियाशील हैं, तो इन सब की जो जानकारी, जो लेटेस्ट जानकारी है आपको पंचायत भवन पे उसको रखना होता है। इन सब के अलावा गांव में जितने भी कर्मचारी आपके काम करते हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी हो गए, फिर आपके गांव में जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ के टीचर हो गए, वहाँ की जो एएनएम आशा हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, तो हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं उन सब की जानकारी, उनका नाम और मोबाइल नंबर हमें एक लिखना होता है। इन सब के बाद अगर बात की जाए तो अगर कोई ब्लॉक लेवल से कोई अधिकारी अगर आते हैं या जिला लेवल से, तो वो उपस्थिति देखकर उसके बाद पूछते हैं कि आपने कार्य क्या किया या आप क्या क्या कार्य यहाँ करते हैं। तो इन सब के लिए आप अपने पंचायत भवन पे पेंशन लिस्ट जो है आपकी ग्राम पंचायत की, राशन की लिस्ट हो, पेंशन में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन अथवा कुष्ठावस्था पेंशन, तीनों प्रकार के पेंशन की जो लेटेस्ट लिस्ट हो उसको निकाल कर आप रखिए। राशन कितने लोग ले रहे हैं उसको निकाल कर रखिए, कितना चापाकल बिगड़ा है, कितना बना है, और इन सब की जो जानकारी है हम अपने पंचायत भवन पर उपलब्ध रखेंगे। तो इन सब के अलावा और भी जितने कार्य हैं, जैसे कि हमें फील्ड वर्क में कहीं सर्वे करने भी जाना होता है, तो ये सब कार्य हम उस उपस्थिति रजिस्टर पर लिख सकते हैं और उसके बाद हम कहीं भी जा सकते हैं 10 से 5 के बीच में। अगर हम ये करते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जैसे पंचायत सहायक से जो काम करवाना कंप्यूटर पे और ऑफलाइन, तो इन सब की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, जैसे कि एमएस एक्सेल पर कैसे काम करना है, एमएस ऑफिस पर कैसे काम करना है और डाटा फिट कैसे करना है, तो अभी जो शौचालय का रिट्रोफिटिंग कार्य हो रहा है उसको कैसे करना है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस चैनल पर निरंतर मिलती रहेंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।